22 देखिए क्या कह रहा है कि इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक्सप्रेस अ मीडियन इन द टर्म ऑफ इट्स साइड। चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, और जिसका एक मीडियन हम लोग ऐसे यहाँ दिखा देते हैं। चलिए देखिए ट्रायंगल है आपका ए बी सी और ये मीडियन आपका ए डी है। चलिए अब हमारे पास क्या गिवन है पर लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास कि इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे ए डी इज अ मीडियन। ए डी क्या है आपका मीडियन है, तो हमें क्या करना है टू एक्सप्रेस ए मीडियन इन टर्म्स ऑफ इट्स साइड्स, साइड्स के टर्म में मीडियन को एक्सप्रेस करना है। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग एक थ्योरम देख चुके हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो डैट याद होना चाहिए आप कि हम लोग क्या थ्योरम देखे थे जी कि इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड टुगेदर विथ ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन विच बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। हम लोग ऐसे इसे लिख सकते हैं, तो इसके हिसाब से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें लिखना हो ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर, ये दो साइड्स के स्क्वायर का सम किसके इक्वल होगा, तो स्क्वायर का सम जो होगा क्या कह रहा है इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड, है ना, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड आपका यहाँ पे बी सी है, तो बी सी के स्क्वायर का हाफ करेंगे ना जी, यानी कि आ जाएगा ट्वाइस ऑफ द हाफ ऑफ द बी स्क्वायर ऑफ बी सी, है ना, और फिर क्या रहा है कि टुगेदर विद द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन, ठीक है, हमें मीडियन का वैल्यू निकालना है इन द टर्म ऑफ इट्स साइड। चलिए तो यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर इक्वल टू में 2 × 1/4 बी सी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2 AD, इसे ये काट सकते हैं 2 times में। यहाँ पे एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 4 हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर इक्वल टू में एलसीएम ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा बी सी स्क्वायर और प्लस में 4 AD स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ का मल्टीप्लाई करेंगे 2 AB स्क्वायर प्लस 2 AC स्क्वायर इक्वल टू में बी सी स्क्वायर और प्लस का 4 AD स्क्वायर, ये जाएगा इधर माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 AB स्क्वायर प्लस 2 AC स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर इक्वल टू में 4 AD स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू में 2 AB स्क्वायर प्लस 2 AC स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर और बाई में 4। देखिए तो मीडियन को हमने इसे इनके साइड्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर देख